फेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी महारिवीजन की ये पहली वीडियो है जिसमें 15 एमसीक्यू रहेंगे, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल ऑन कर लीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए, और वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, अपराध एक ऐसा कृत्य है जिसे समाज के लिए हानिकारक माना गया है, ये किसका कथन है? ऑप्शन है आपके सामने, ए है गिलिन का, बी है ब्लैकस्टोन का, सी है सदरलैंड का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, अपराध मानव का एक ऐसा आचरण है जिससे आपराधिक विधि का उल्लंघन होता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है आपके सामने, ब्लैकस्टोन का, बी है सदरलैंड का, सी है टेपन का, और डी है टेफ्ट का। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, सदरलैंड का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। अपराध ऐसा कार्य या लोप है जो सार्वजनिक विधि के उल्लंघन में किया गया राज्य द्वारा निषिद्ध कृत्य है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है आपके सामने, ब्लैकस्टोन का, बी है हेल्सबरी का, सी है गिलिन का, डी है टेपन का। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भाई यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, ब्लैकस्टोन का। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, प्रो बोंगर ने सैद्धांतिक अपराध शास्त्र के कितने शीर्षक बताए हैं? ऑप्शन है आपके सामने, आपराधिक समाजशास्त्र, बी हैं आपराधिक मानवशास्त्र, सी हैं दंडशास्त्र, और डी हैं ये सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, अपराध शास्त्र अपराध विधि विज्ञान की वह शाखा है जो अपराध के कारण तथा उनके निवारण से संबंधित है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है आपके सामने, डॉक्टर केनी का, बी है गिलिन का, सी है ऑस्टिन का, और डी है सदरलैंड का। तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर केनी का। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, इनमें से किस विधि शास्त्री ने यह बताया है कि कार्य को मानव आचार का भौतिक परिणाम बताया है, एक कृत्य के अंतर्गत अवैध लोप भी निहित होता है? ऑप्शन है आपके सामने, रसेल ने, बी है केनी ने, सी है टेफ्ट ने, और डी है टेपल ने। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ए ऑप्शन सही होगा, रसेल ने। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, अपराध विधि के अधीन किस प्रकार का कार्य है? ऑप्शन है आपके सामने, दंडनीय कार्य, बी है उपचारात्मक कार्य, सी है सुधारात्मक कार्य, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, दंडनीय कार्य। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि अपराध वह है जो राज्य ने अच्छे या बुरे कारणों के कारण निषिद्ध कर दिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है आपके सामने, बेंथम का, बी है ब्लैकस्टोन का, सी है ऑस्टिन का, और डी है केनी का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, बेंथम का। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, इनमें से किस विधि शास्त्री का यह कथन है कि अपराध विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मूल्यों के लिए अरुचिकर एक कार्य है, मतलब अरुचिकर एक कार्य है? तो ऑप्शन है आपके सामने, स्टीफन का, बी है ऑस्टिन का, सी है सदरलैंड का, और डी है केनी का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, स्टीफन का। क्वेश्चन नंबर 10, अपराध कोई भी अवांछनीय कार्य है जिसे राजदंड आरोपित करने के लिए कार्यवाही आरंभ कर सबसे उपयुक्त ढंग से परिशुद्ध करता है, ना कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति के विवेक द्वारा, यह कथन इनमें से किसका है? ऑप्शन है आपके सामने, कीटन का, बी है मिलर का, सी है केनी का, और डी है स्मिथ का। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, कीटन का। क्वेश्चन नंबर 11, अपराध के सामान्य लक्षण हैं
राज्य द्वारा कार्यवाही को नियंत्रित करना, दंड को क्षमा करना तथा दंड देना, यह कथन इनमें से किसका है? ऑप्शन है आपके सामने केनी का, बी है मिलर का, सी है पैटन का और डी है सदरलैंड का। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो? 11 नंबर में आपका सी ऑप्शन सही होगा, पैटन का। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, पॉजिटिव विचारधारा का प्रमुख प्रणेता कौन है? ऑप्शन है आपके सामने ए है लोम्ब्रोसो, बी है पैरोटो, सी है ऑस्टिन और डी है सदरलैंड। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, लोम्ब्रोसो। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, सफ़ेद पोश अपराध की अवधारणा को किसने विकसित किया है? ऑप्शन है आपके सामने सदरलैंड ने, बी है केनी ने और सी है ऑस्टिन ने और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, सदरलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, लोम्ब्रोसो ने कितने प्रकार के अपराधी की बात की है? ऑप्शन है आपके सामने 2, बी है 3, सी है 1 और डी है 4। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा, 3। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोम्ब्रोसो के अनुसार अपराधी के कौन से प्रकार हैं? ऑप्शन है जन्मतः अपराधी, बी है मानसिक विक्षिप्त अपराधी, सी है क्रिमिनॉइड्स और डी है ये सभी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नया है, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए पहले वीडियो पाने के लिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।